देरी क्यों? चलिए, बिंदुओं छः मतलब क्वेश्चन नंबर 28, बिंदुओं छः कमा माइनस पाँच एवं माइनस दो कमा ग्यारह को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, P हो तो P का मान ज्ञात करें। तो देखिए हमको क्या निकालना, P ये क्या होता है मेरा Y का वैल्यू कह रहा है, तो Y का वैल्यू क्या होता है, Y बराबर y1 + y2 बट्टा में 2। तो y1 कितना माइनस पाँच और y2 कितना 11/2, तो -6/2 तो कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा माइनस सॉरी 3 क्यों क्या हो जाएगा 3, ठीक है आंसर हो जाएगा ये प्लस में 6 हुआ, ठीक है ना प्लस 3 आंसर। सेकंड देखिए कि यदि किसी क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निशान क्या होगा। तो केंद्रक का निशान निकालना है तो हम पहले एक्स का निकालेंगे, x1 + x2 + x3/3 ये फॉर्मूला होता है। तो हम मान जोड़ते हैं 2 + 6 + 4/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सॉरी 3 तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 2 + 0 है 0 तो कितना हो जाएगा 6/3 तो कितना हो जाएगा 2। उससे फिर y का निकालेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 4 + 6 - 1/3 तो 10 - 1/3 = 9/3 तो बराबर 3, कितना 2, 3 आंसर, कितना हो जाएगा 2, 3 आंसर ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिंदु -6, -7 का कोटि, कोटि किसे कहते हैं। तो देखिए पहले भुजा लिखा था, क्या लिखा था भुजा, क्या होता है कोटि, ये कोटि मेरा कौन होगा सेकेंड वाला, तो मतलब -7 ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए आगे, यदि किसी बिंदु P के निशांक में 2, -5 हो तो P का को क्या कहेंगे, P क्या कहेंगे, तो P क्या होगा मेरा कोटि होगा। ऐसे देखिए अभी जैसे तो ये क्या है P मेरा कोटि है, तो ये P का कोटि कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय का मतलब क्या होता है जो तीनों सॉरी तृतीय का मतलब क्या, जो दोनों दशमलव सॉरी दोनों जो है चिन्ह चिन्ह माइनस में हो, क्या होगा माइनस होता है, दोनों चिन्ह माइनस में इसलिए क्या है तृतीय है, जब दोनों प्लस हो तो प्रथम होता है। आगे देखिए एक्स का समीकरण क्या होगा, तो एक्स का समीकरण क्या होगा वाई बराबर 0 होगा। आगे बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, जो कितनी होगी तो फिर मतलब मिल बिंदु बराबर क्या, मिल बिंदु से दूरी बराबर मूल बिंदु से दूरी बराबर से दूरी बराबर फॉर्मूला से लगा दीजिएगा x² + y², ठीक है कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 9 = √13 कितना √13 मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दो बिंदु P 2, 3 और Q 4, 1 के बीच की दूरी का मान होगा, फॉर्मूला क्या होगा पी क्यू के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है पी क्यू बराबर √(x2 - x1)² + (y2 - y1)² क्या हो जाएगा x2 कितना है मेरा x2 मेरा कितना हो जाएगा 4 - 2 कर दीजिए 4 - 2 का स्क्वायर + y2 1 - 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर - (+-2 का स्क्वायर 4 + 4 = 8 2√2 आंसर कितना हो जाएगा 2√2 ये वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, 0 ये आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है।